जी केस स्टडी के अंदर अब अनोवा आपके सामने हाजिर है और अनोवा की मैं आपको कोशिश करूंगा दो या दो से ज्यादा टाइप्स टाइटेनिक है डेटा सेट पे लगा के दिखाऊं स्क्रीन पे चलते हैं डायरेक्टली और यहां पर चेक करते हैं कि अनोवा हम कैसे लगाएंगे ठीक है अनोवा लगाने के लिए आपको ऑब्वियसली जो डेटा आपने पहले इंपोर्ट किया हुआ है मैं सेम वही चीज आपके सामने दोबारा रखता हूं क्योंकि मैं पीछे से इस डेटा को एक्सेप्ट करते आया हूं एंड यहां पे मैं लिख देता हूं अनोवा। uh, अनोवा के लिए अब हमने डी एफ़ डॉट हैड कर लेना क्योंकि मैंने इसके अंदर अब चेंजेस करके डी एफ़ के अंदर नल वैल्यू सारी रिमूव कर दी हैं तो मैं अगर डी एफ़ डॉट इन्फ़ो भी करूँ डी एफ़ डॉट इन्फ़ो तो मेरे पास सारी की सारी वैल्यू आठ सौ इक्नवे के करीब आ रही हैं और मेरा मेन काम है एज के ऊपर या मैं फेयर के ऊपर काम करता हूँ एज के ऊपर करते हैं और अब हम देखते हैं क्या ऐज चेंज हो रही है बेस्ड ऑन द क्लास हम कह सकते हैं कि फर्स्ट क्लास में एज डिफरेंट है सेकंड में एज डिफरेंट है और थर्ड में एज डिफरेंट है उसके लिए हम अनोवा लगाते हैं वन वे अनोवा जिसको हम क्यों लगाते हैं हमारा हाइपोथेसिस ये है देर इज अ डिफरेंस बिटवीन एजेस ऑफ फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड क्लास पे सिंजर्स ठीक है ये हमारा क्वेश्चन है इसका एच नॉट और एच वन हम बनाएंगे एच नॉट इसका ये कहता है देर इज नो डिफरेंस ठीक है ये हमारा एच नॉट है और इसी का एच वन जो हमें बताता है वो ये कहता है अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस देर इज सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन एजेस ठीक है तो ये हमारा एच नॉट और एच वन आ गया ये हमारा क्वेश्चन है ये जो मैंने यहां पे लिखा है दिस इज आर क्वेश्चन और ये हमारे हाईपॉथस आगे अब हम क्या करते हैं डेटा को हमारे पास डेटा पड़ा हुआ है अब अनोवा हमने लगाना है तो पहले हम लगाएंगे स्टैट्स यानी कि साई से इम्पोर्ट साई पाई डॉट स्टैट्स एस इसके आगे हम कर लेते हैं स्टैट्स ये हमने यहाँ पे इंपोर्ट कर लिया अब आपको भी पता है कि सबसे पहले अनोवा के लिए आपके पास कुछ इम्पोर्टेंट uh, क्वेश्चंस होने चाहिए कि आपने किस तरीके से अनोवा लगाना है सो so, मैं uh, दो तरीके से अनोवा आपके पास लगता है एक तो साई के थ्रू लगता है दूसरा स्टैट्स मॉडल के थ्रू एंड प्रोबेबिलिटी ये है कि मैं यहाँ पे स्टैट्स मॉडल को यूज करता हूँ ताकि हमारे पास जो टक्की टेस्ट है उसके थ्रू हम लगा सकें ठीक है सो ए के थ्रू हमने ओ भी ले लिया एस भी ले लिया अब हम लगाते हैं अनोवा टेस्ट जिसके लिए फॉर uh, एज एंड क्लास ये दो कॉलम पे हमने लगाना है ठीक है अगर मैं आपको डेटा दिखाऊं तो डेटा आपका कुछ इस तरीके से दिखेगा डी एफ डॉट हेड यह आपका डेटा है एज वाला कॉलम और हमने क्लास वाले कॉलम पे लगाना है तो मैं इसके अंदर एज कॉम क्लास ये दो कॉलम्स में हमने लगाना है तो मैंने इसको सिलेक्ट करके सिर्फ इतना ही डेटा यहाँ पे रख लिया ठीक है और अगर आपको दिखाया जाए फर्स्ट सेकंड थर्ड क्लास की बेस पे हमने एज को देखना है ठीक है तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ पहले तो मॉडल बनाते हैं मॉडल इज इक्वल टू हमने यहाँ पे अब ओ बनाया ओ को यहाँ पे हमने लिया ये एक फंक्शन है बेसिकली जो मैं आपको पहले भी बता रहा था एज को क्लास की बेस पे हम ड्रॉ कर रहे हैं डेटा हमारा डी है और मॉडल को फिट कर दिया ठीक है ये हमारा मेन रिजल्ट आ गया इसके बाद अगला काम जो होगा हम अनोवा टेबल बनाएंगे सेम इसी तरीके से लीनियर मॉडल पे अनोवा टेबल लगा दिया एंड देन हम उसके रिजल्ट्स जो हैं यहाँ पे प्रिंट कर देंगे लेट मी सी के क्या गलती है यहाँ पे इनवैलिड सिंटेक्स क्लास क्लास इनवैलिड सिंटेक्स है let, let ओके okay, एरर को पढ़ते हैं जी क्या एरर कहती है इन वेलेड सिंटेक्स क्लास जो है इन सिंटैक्स लेट मी सी जो हमने अनोवा लगाया था स्टैट्स मॉडल के थ्रू तब हमने क्या किया था ओके ग्रोथ फर्टिलाइजर ये तो हो गया टू वे अनोवा यह था जी वन वे अनोवा ग्रोथ और फर्टिलाइजर कॉमा इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ इन तीनों को ताकि इसको देख के हम लगा सकें इट शुडेंट शो मी लाइक दिस लेकिन ओके okay जी तो यहाँ पे डबल स्ट्रिंग है दैट्स फाइन डेटा आ गया फिट आ गया राइट उनोवा टेबल आ गया एस एम डॉट स्टैट उनोवा लीनियर मॉडल टाइप टू प्रिंट अनोवा टेबल प्रिंट इससे कोई फर्क तो नहीं पड़ना चाहिए बट वी विल सी कि कहाँ पे मसला है मैं आप इसको दोबारा से रन करके देखता हूँ स्टिल हैविंग द इशू यहां से रन करके देखता हूँ ओके सो इसी लाइन में हमारे पास इशू आ रहा है ओ वाली में लेट्स सी क्या इशू है अगर हम यहाँ पे पी क्लास लिख दें तो देखते हैं कि क्या हमारे पास इन होने की वजह से तो नहीं कोई मसला आ रहा मी सी पी क्लास वन टू थ्री है यहाँ पे भी अगर पी क्लास लिखें ओके सो प्रॉब्लम ये है कि जनाबे वाला जब आप क्लास पे बात करते हैं तो यूजुअली ये इन भी होता है फंक्शन और बिल्ट इन फंक्शन जो है क्लास का वो पाइथन लैंग्वेज के अंदर यूज होता है जिनको हम की वर्ड्स बोलते हैं पाइथन के शायद इस वजह से ये नहीं चल रहा था सो नाउ यू कैन सी के पी क्लास में फर्क है ठीक है क्योंकि पी की वैल्यू लेस है अगर मैं इसको प्रिंट द रिजल्ट बेस्ड ऑन इफ एल्स कंडीशन लगाऊं तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पास जो हमारे पास रिजल्ट आ रहे हैं वो क्या कह रहे हैं ये कह रहे हैं कि जी रिजेक्ट नल हाइपोथेसिस बिकॉज पी वैल्यू इज दिस देर इज अ सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन ये वही एजेस वाला लिखा आ गया है. Uh, मैं यहां पे बिटवीन एजेस ऑफ पैसेंजर्स इन डिफरेंट क्लास ठीक है अगर आपके पास फर्क हो यानी कि पी की वैल्यू लेस हो फिर ही आप पोस्ट हॉक पे जाते हैं तो मैं यहां पे पोस्ट हॉक टेस्ट करता हूं पोस्ट हॉक टेस्ट करता हूं हर क्लास का आपस में फर्क देखते हैं और उसके लिए ऑबियसली टकी एच एसडी पेयर वाइज कंपेरिजन हम करते हैं और उसके लिए आप क्या करेंगे फ्रॉम स्टैट्स मॉडल को टकी एच एस डी को इम्पोर्ट करेंगे और उसी मॉडल के ऊपर टकी एच को आप लगाएंगे एज की बेस पे पी क्लास के ऊपर आपने लगाना है ये अल्फा आ गया और पेयर वाइज टकी एच आपने लगा दिया ठीक है अब यहाँ पे हम टकी एच की समरी जो है इसे प्रिंट करते हैं एंड इट विल टेल लास्ट होप फुली कि कहाँ कहाँ फर्क है हाँ जी तो क्लास वन और टू यानी कि फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास की एज में फर्क है अच्छा खासा इसी वजह से ये ट्रू है यानी कि हम रिजेक्ट करते हैं है एच नॉट को या फर्क है इसको भी ट्रू कहते हैं लोअर वैल्यू माइनस नाइन है अपर वैल्यू माइनस फोर है सो देर इज अ डिफरेंस ठीक है मेन डिफरेंस माइनस सेवन का है ये वैल्यू नहीं है ये मेन डिफरेंस है ठीक है फिर आपके पास वन एंड थ्री आती है पहली और तीसरी क्लास में भी फ़र्क है टू और थ्री आती है इन दोनों में भी फ़र्क है अब इसी फ़र्क को हम बार प्लॉट में शो करते हैं एस एन एस डॉट बार प्लॉट और इसके अंदर हम क्लास का और एज का बार प्लॉट बना के देखते हैं कि कितना फ़र्क है लें जनाब आपके सामने हाजिर है सबसे जो मेन चीज़ है फर्स्ट क्लास के अंदर ज़्यादातर आपकी एज जो है उनकी एवरेज पैंतीस से चालीस के दरमियान है जो सेकेंड क्लास है उसके अंदर तीस की एवरेज है जो थर्ड क्लास है उसके अंदर एवरेज जो है वो तकरीबन पच्चीस से सताईस की है सो so, इसका मतलब ये हुआ कि इन तीनों में फ़र्क है अब आपको नज़र भी आ रहा है कि ये सबसे ज़्यादा एज वाले लोग हैं ये उससे कम ये उससे कम और इन तीनों में अच्छा खासा फ़र्क है इसका एक और तरीका भी है आप इसको एक और तरीके से भी शो कर सकते हैं अगर मैं बार प्लॉट की बजाय यहाँ पे एक हिस्ट प्लॉट आपको बना के दिखाऊं एस एन एस डॉट हिस्ट प्लॉट और इसके अंदर हम डी एफ एज के डी ई इज इक्वल टू ट्रू कर दें और मैं यहां पे hue यू इज इक्वल टू टी क्लास कर दूं सो so, यहां पे आप सॉरी शुडेंट बी लाइक दैट उनकी हो गया नॉट साइन विद वाइट फॉर्मेट लाइक यू ओके 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 इसके लिए हम करते हैं नाउ यू कैन सी के इन तीनों की एज में फ़र्क है लेकिन क्योंकि ये पी क्लास है हम इसको क्लास में कन्वर्ट करेंगे तो सेम वही चीज़ है नाउ यू कैन हैव अ लुक कि किसी का मेन कहाँ पे घूम रहा है किसी का कहाँ पे और ग्रीन वाली का कहाँ पे सो फर्स्ट सेकंड की दोनों के मेन तकरीबन पास पास हैं लेकिन इनमें फ़र्क है कई जगहों पर थर्ड जो है वो हमारे पास थर्ड क्लास जो है वो टोटली totally डिफरेंट है सो देर यू कैन फाइंड अ वे कि आपके पास किस तरीके से डेटा भी डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है ये बेसिकली काउंट प्लाट नहीं है ये डेटा डिस्ट्रीब्यूशन है ठीक है कि मीन कहाँ पे आ रहा है और स्प्रेड कहाँ पे हो रहा है और आप तीनों में फर्क देख सकते हैं तो हमारे पास प्रूफ आ गया ड्यू टू टकी टेस्ट और हमारे पास प्रूफ आ गया ऑल्सो बाई विजुअलाइजेशन के इन तीनों में फर्क है ठीक है जी अब हम चलते हैं टू वे अनोवा की तरफ टू वे अनोवा मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा डायरेक्टली आपको टू वे अनोवा का कोड लिख के दूंगा ताकि आपको समझ आ जाए कि किस तरीके से टू वे अनोवा जो है वो चलता है और रीज़न ये है कि हमने ऑलरेडी देख लिया कि अनोवा कैसे चलता है टू वे अनोवा में हमने क्या करना है डी एफ डॉट हेड और हमने अब एज को क्लास की बेस पे तो करना ही करना है साथ में हम हु की बेस पे भी करेंगे मैन वुमेन एंड चाइल्ड ठीक है सो क्लास और हु की बेस पे सो so हम यहाँ पे क्या करते हैं मैं यहाँ पे ये वाला निशान लगा के हु लिख देता हूँ एंड लेट्स सी तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास अच्छा जो मैंने तीन इंटरेक्शन आपको बताए थे ना वो कुछ इस तरीके से थे अब आपको एक और बात यहीं पे समझा देता हूं अक्सर लोग इसको मिस कर देते हैं कि जब हम प्लस हु प्लस पी क्लास कॉलन हु ये जो तीन कंडीशन मैंने लिखी है ना कि सिंगल पी क्लास हु पी क्लास एंड हु इन तीनों को आप मल्टीप्लीकेशन के साइन के साथ रिप्लेस कर सकते हैं यानी कि जब आप पी क्लास मल्टीप्लाइड बाय हू लिखते हैं इसका मतलब यही है सिंगल भी इंडिविजुअल भी और इंटरेक्शन भी ठीक है सो आइदर यू कैन यूज दिस और दिस ठीक है सो so मैं दूसरे को ज्यादा प्रेफर करता हूं एस्टेरिक के साइन को जैसे मैंने स्टेरिक का साइन लगाया मेरे पास एक भी पी वैल्यू सिग्निफिकेंट आ गई तो मैंने पोस्ट हॉक पे चले जाना है अब यहाँ पे तीनों के तीनों सिग्निफिकेंट है अब मैं पोस्ट हॉक टेस्ट लगाता हूँ और उसके लिए भी मैं सेम वही वाला पोस्ट हॉक टेस्ट का फॉर्मूला उठाता हूँ कॉपी करता हूँ सबसे नीचे जाके यहाँ पे इसे प्रिंट करता हूँ अब हमने पेयर वाइज कंपेरिजन करना है तो यहाँ पे ग्रुप डी एफ हमारे पास आ गया पी क्लास और आपने पिछले लेक्चर में देखा था कि टू वे अनोवा में जब हम जाते हैं देन वी कैन यूज पोस्ट हॉक टेस्ट जो है लेट मी शो यू यहां पे पोस्ट हॉक टेस्ट यहां पे सो so, आप यहां पे प्लस का साइन यूज कर सकते हैं कि आपके पास ये इंटरेक्शन आए तो मैं डेटा को आगे इस तरीके से भी यूज कर सकता हूं और आई कैन यूज लाइक फॉर एग्जांपल ये हमारे पास टकी एच एस डी पेयर वाइज कंपेरिजन है यहां पे भी पेयर वाइज है तो डेटा ग्रोथ को मई ये वाला हमने यूज किया और एल्फा लगा दिया तो मैं यहां पे सिंपली डी एफ के बाद ये इस तरीके से प्लस की बजाय अगर ये वाला लगा के देखूं तो शायद शायद हमारा जो पीछे वाला काम था वो यहां पे चल पड़े लगता नहीं है बहरअल देखते हैं क्या होता है yes, यस चल पड़ा सो so, अब आप देखते हैं कि हमारे पास सिर्फ और सिर्फ प्लस वाला नहीं चल रहा हमारे पास प्लस वाला भी चल रहा है इंटरेक्शन इंडिविजुअल भी चल रहा है और बाकी डबल डबल भी चल रहा है अगर आप गौर करें यहां पे ग्रुप वन में सिर्फ चाइल्ड और चाइल्ड चाइल्ड का भी इंटरेक्शन है चाइल्ड 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 एंड मैन चाइल्ड मैन मैन तो हमारे पास डिफरेंट किस्म के इंटरेक्शन यहां पे आ रहे हैं सो इट्स टोटली अप टू कि आपने प्लस यूज करना है तो सिर्फ इंटरेक्शन आपके पास आएंगे समथिंग अब क्या हो गया इसे मी सी Plus sunlight alpha, it was fine. Let's see क्या मसला है जी ab Oh, ye ये hai है इस वजह से masla मसला आ रहा है yahan pe asterisk लगा देते हैं क्योंकि वो इंटीजर है इस वजह से ये issue आ रहा है सो पी क्लास की बेस पे अगर आपने करना है पी क्लास कर लें. हम पी क्लास को चेंज कर देते हैं क्योंकि क्लास हमारे लिए मसला कर रही थी हम हु कर लेते हैं और साथ में सेक्स कर लेते हैं मेल और फीमेल ठीक है हम यहाँ पे हु और सेक्स कर लेते हैं यहाँ पे मेल और फीमेल यानी कि हमारे पास वैल्यू आ गई ठीक है और हमारे पास हु की वैल्यू आ गई सो so, यहाँ पे भी हम सेक्स को लिखते हैं और यहाँ प्लस लिखते हैं नाउ इट विल बी रनिंग फाइन सो ये हमारे पास ग्रुप आ गया फीमेल चाइल्ड वर्सेस फीमेल वुमेन ऑब्वियसली इनके बनेंगे सारे के सारे जो कंपैरिजन है एंड देन हमारे पास इस तरीके से ट्रू एंड फॉल्स आ जाएगा सो so हम इंटरेक्शन के बेस में इनमें फ़र्क देख सकते हैं कि क्या हमारे पास कोई फर्क आ रहा है कि नहीं बट स्टिल हु और सेक्स जो है वो दोनों एक दूसरे से मिलते जुलते हैं वी कैन ऑल्सो चेंज दिस टाइप अगैन हम यहाँ पे इसको डेक भी यानी इम्बाक टाउन कर सकते हैं कि कौन कहां से चला था और क्या वो उसमें कोई फर्क है फॉर एग्जाम्पल मैं इम्बाक टाउन करता हूँ इम्बाक टाउन आ गया हुआ आ गया अब यहां पे भी इम्बाग टाउन लिखता हूं इम्बाक टाउन अब इसमें क्या मसला आ गया ओके सीक्वेंस okay. को मल्टीप्लाई नहीं कर सकते प्लस लिखते हैं प्लस में क्या इशू है लेट मी सी लेस देन नॉट स्पॉटेड बिटवीन इंस्टेंस ऑफ स्ट्रिंग कहाँ पे ये मसला आ रहा है लेट मी सी टकी पेयर वाइज टेस्ट इम्बाक टाउन डी एफ ओ डी एफ अच्छा जी इम्बाक टाउन से भी नहीं ये खुश ओके सो खैर आप ग्रुप कंपैरिजन इस तरीके से चेक कर सकते हैं इट्स टोटली अप टू यू आपने कितने ग्रुप्स का कंपैरिजन चेक करना है तो मैंने तो यहाँ पे दो ग्रुप्स का कर लिया दो वेरिएबल्स का और ये हमारे पास कुछ इस तरीके से रिज़ल्ट आ गया ठीक है जी सो दिस इज़ हाउ यू कैन अप्लाई दिस रिजल्ट और इनको आप फिर प्लॉट करके उनके ऊपर एनोटेट कर सकते हैं सिर्फ फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर प्लॉट करता हूँ इसी चीज़ को एस एन एस डॉट बार प्लॉट बना देते हैं बार प्लॉट ऑफ से फॉर एग्जांपल डीएफ के अंदर डीएफ कॉमा एक्स इज़ इक्वल टू यहाँ पे हम कर देते हैं जनाब एज नहीं एज नहीं यहाँ पे कर देते हैं हु कॉमा वाई इज़ इक्वल टू एज तो ये हमारे पास प्लॉट बन गया है ये मैन वुमेन एंड चाइल्ड की एज का ऑब्वियसली हमने यही देखा था इन दोनों में फर्क है कि नहीं तो ये हमारे पास फर्क तो आना ही आना था क्योंकि बच्चे जो होते हैं वो वैसे छोटे होते हैं वुमेन और मैन की हमने एज का यहाँ से पता लगा लिया है सो हु की बेस पे हम यहाँ पे ही भी दे सकते हैं डिफरेंट किस्म की तो मैं यहाँ पे कह देता हूँ से फॉर एग्जाम्पल अलाइव तो ये हमें बता देगा कौन जिंदा है और कौन नहीं जिंदा ठीक है लाइव की बेस पे आपके पास और भी डिफरेंट किस्म के जो वैल्यूज़ हैं आप उन्हें भी लिख सकते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे इसी इसी जगह पे मैं अगर पी क्लास या क्लास को लिखूँ तो इससे भी मुझे अंदाज़ा हो सकता है कि क्लास और पी क्लास में कौन कौन से बच्चे थे कितने बच्चे कितनी बच्चियाँ और कितनी औरतें और कितनी मर्द थे हमारे पास सो दिस इज़ हाउ यू कैन हैव एन आइडिया एंड एट दी एंड आप हु के साथ यहीं पे सेक्स को भी अगर ऐड करें सो नाउ यू कैन हैव एन आइडिया कि मेल और फीमेल चाइल्ड में कितना फर्क है एजिस में ठीक है सो आप इन ग्रुप्स को भी देख सकते हैं सो एंडलेस अपॉर्चुनिटीज है आपके पास आप ये भी देख सकते हैं कि जो बच्चे बचे हैं उनमें कितने मेल थे और कितनी फीमेल थी और उनका भी कंपैरिजन आप कर सकते हैं उनकी उम्रों का ठीक है सो जब एक कॉन्टिन्यूस वैल्यू हो और कैटेगोरिकल वैल्यू हो देन यू कैन हैव एन आइडिया कि किस तरीके से इनको कंपेयर किया जाता है तो ये था जी एनालिसिस ऑफ वेरियंस जो आपको समझ आ गई होगी अब हम कोरिलेशन देखते हैं कोरिलेशन किस बेस पे देखा जाता है वो देखा जाता है कि आपके दो नुमैरिक वेरिएबल्स किस तरीके से आपस में एक दूसरे के साथ रिलेट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे और उसके लिए आप डिफरेंट किस्म के जो वैल्यूज हैं उनको यूज कर